श्री कर्लीधर सत्संग मंडळ जरीपटकातर्फे यंदाही गुरु नानकजी यांच्या जयंतीनिमित्त धार्मिक कार्यक्रम आणि शोभायात्रा काढण्यात आली असून मोठ्या संख्येत सिंधी बांधवांनी या कार्यक्रमात उपस्थिती दर्शवली. मागील 15 दिवसापासून जरीपटका परिसरात पहाटेच्या सुमारास प्रभात फेरी काढून सिंधी बांधवांनी या कार्यक्रमाची सुरुवात केली असून मागील 54 वर्षापासून सतत जरीपटका परिसरात या धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जात आहे. ऐसा है कि सत्संग समिति यहाँ की जो है उनके जरिए हर साल 54 सालों से गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन होता है. बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आशीर्वाद लेने आते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर ममतानी साहब ने मुझे यहाँ पे न्योता दिया था और यहाँ पे आके आशीर्वाद लेने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है. धन्यवाद. गुरु नानक देव की 554वीं जयंती है, इसके निमित्त जो यहाँ की कल्पित से विशेषता है प्रभात फेरी, मुझे लगता है कि देश की एकमात्र प्रभात फेरी होगी जिसमें सुबह 3-4 बजे लोग इकट्ठे होकर 20-25 हजार लोग डेली 15 दिन प्रभु का अनुशासन में गुणगान करते हैं. वस्तुतः ये दृश्य कहीं मेरे को देखने को नहीं मिला है, ये यहाँ की खासियत है. और यहाँ का जो कल्पित समुद्र का जो गुरु नानक उद्देश्य है, उन्होंने बुलाया कि हम एक पिता एक दस के बालक, और गुरु नानक को मानने वाले सब सिख समाज ही नहीं है, सिंधी समाज, वाल्मीकि समाज, काफी समाज है. इसलिए गुरु नानक को जाहिर की जगत गुरु माना जाता है. गुरु नानक देव की जय. सर्वप्रथम मैं आप सभी को करोड़ करोड़ बधाई देता हूँ. हमारे यह जो कलगीधर सत्संग मंडल में लगभग पिछले 54 वर्ष से हमारे अधिवक्ता माधव दास ममतानी साहब यह कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में हजारों नहीं लाखों लोग आ चुके हैं और आज भी आ रहे हैं. सब लोग अपने दर्शन करते हैं और उन्हें गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. मेरा संदेश यही है, पूरे देश में गुरु नानक जयंती के दिन सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई इस देश में भूखा न रहे, कोई गरीब न रहे, सभी धन धान से भंडारी हो, यही मेरा निवेदन है.